Good morning, students. Today is our second class for income from house property, right? Last class I had taught you how to calculate income under the head house property, and usme maine aapko ek format diya tha. We started with gross annual value, I suppose. Yes. हाँ, सो ये पूरा फॉर्मेट है, राइट? एंड सबसे पहले वी हैड स्टडीड व्हाट आर द चार्जेबिलिटी कंडीशंस. इफ द चार्जेबिलिटी कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, देन द इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एसेसी मस्ट बी द ओनर, देयर मस्ट बी बिल्डिंग, एंड द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस बेनिफिट. द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, राइट? By the promoter for up to 2 years from the end of the financial in which the certificate is obtained, right? So, ये सब cases में house property income from HP नहीं आएगा, right? अगर ये सारे conditions satisfy हुए हैं, right? अगर SSC owner नहीं है, subletting है, then house property नहीं होगा. Furniture है, building नहीं है, house property नहीं होगा. I'm using it for business benefit. House property नहीं होगा. Got my point? If the property is held as stock in trade for 2 years from the end of the financial certificate of completion, इसमें भी house property नहीं होगा. उसके बाद beyond 2 years, still you're holding it as stock in trade, but it will come under income the head house property. तो ये हमारा computation का format है, right? ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस ऑब्लिक अदर टैक्सेस डिवाइड बाय लोकल अथॉरिटी, नेट एनुअल वैल्यू आएगा, देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. एग्जॉस्टिव है, इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV. तो कुछ कुछ केसेस में GAV नील होता है. जहां GAV नील है मतलब म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा. म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा मतलब NAV भी नील हो गया. NAV नील मतलब 30% ऑफ NAV इज ऑल्सो नील, राइट? सो स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन. इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, लाइक रिपेयर्स, रेन्यूअल्स, रेंट कलेक्शन चार्जेस, एनी अदर एक्सपेंसेस दैट वी आर इनकरिंग फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी. नो, इट इज ओन, इट वोंट बी डिडक्टेड. स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स. उसके बाद हमने पढ़ा कि म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का अक्रूअल बेसिस पे मिलता है. म्युनिसिपल टैक्सेस हैज टू बी पेड बाय द ओनर, राइट? तभी उसका डिडक्शन आपको मिलेगा. सो काफी सारा चीज हम लोग डिस्कस किया, राइट? And we saw different cases let out throughout the year, let out and vacant, let out and self-occupied, then area-wise, and then self-occupied, right? So all these cases we have covered, and usually GAV is higher of expected and actual, right? ये हम लोगों को मालूम है. Expected इन तीनों का combination से आता है, and actual rent is annual rent minus unrealized, right? माइनस वैकेंसी. उसमें हमने एक्सेप्शन देखा था, अगर वैकेंसी के कारण, अच्छा, राइट? अगर वैकेंसी के कारण हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम हो जाए, जब GAV हम लोग एक्चुअल रेंट को लेते हैं, अदरवाइज हम लोग नॉर्मल रूल जो हमारा हायर वाला वो चलेगा, राइट? अभी कुछ कुछ केसेस में आप देखेंगे कि आप नहीं कमा रहे हैं. देयर आर सर्टेन केसेस, right? Where you are actually not earning, but you are paying tax on high amount. It means you are paying tax on notional amount. काफी सारा cases ऐसा है where you will find that you are paying tax on the notional amount. What are those cases? Now, ये हो गया. अच्छा, उसके बाद हमने, मैं बताऊंगा आऊंगा. अगर vacancy के कारण अगर कम होता है, आप देख सकते हैं, right? अगर वैकेंसी के कारण कम हो रहा है देन फाइन इनफ, तब एक्सेप्शन लगेगा, अदरवाइज एक्सेप्शन नहीं लगेगा. जस्ट अ स्मॉल रिकैप विच आई एम डूइंग. ये सारा केसेस हमने कवर कर दिया है. दो घर तक हमारा NAV नील रहेगा. Above two house,
ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है इसकी, दो घर से ज्यादा अगर हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपेशन में है तो जितने भी घर हैं उन सबको लेट आउट माना जाएगा, मतलब उन सबका जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा, हालांकि हमने कुछ कमाया नहीं है बट फिर भी आई एम पेइंग टैक्स। सो अननेसेसरली डोंट यू फाइंड दैट कि इधर में नोशनल इनकम इज चार्ज टू टैक्स, आई हैवंट अर्नड बट स्टिल आई एम पेइंग टैक्स। मेरे पास बहुत सारा घर है, कोलकाता में घर है, दिल्ली में घर है, बैंगलोर में घर है, एंड आई एम वर्किंग इन चेन्नई ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट रीजन्स। सो ये सारे घर में राइट कोई ना कोई हमारा रिलेटिव रह रहा है या मेरे बच्चे रह रहे हैं, कुछ भी समझो, ये सारा मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है और मैं आई कैन नॉट ऑक्यूपाई दिस हाउस बिकॉज आई एम वर्किंग एज एन एम्प्लॉयमर, मेरे पास एक एम्प्लॉयमेंट है चेन्नई में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप किसी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करना मतलब यू आर नॉट पेइंग टैक्स, सिंपली सी एनएवी इज निल। तो एनी टू ऑफ योर ओन चॉइस, द थर्ड वन विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी लेट आउट, बट सर मैंने तो कमाया नहीं, इसीलिए तो नोशनल इनकम इज गेटिंग चार्ज टू टैक्स। सो दिस इज वन प्लेस वेयर नोशनल इनकम इज गेटिंग चार्ज टू टैक्स, राइट। नाउ एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला, यहां पर भी देखिए, द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। सिचुएशन थ्री, तो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट पूरा ले रहे हैं बट एक्चुअल रेंट आई एम टेकिंग ओनली फॉर द पीरियड लेट आउट। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन सी दैट सिंस आई एम टेकिंग एक्चुअल रेंट फॉर 10 मंथ्स तो ये वैसे ही लो हो गया, दिस इज एनी वे लोअर देन द एक्सपेक्टेड। सो अल्टीमेटली जीएवी को क्या लिया जा रहा है, सो अगेन कहीं ना कहीं आप देखिए मैंने उतना रिसीव ही नहीं किया, आई हैवंट रिसीव्ड बट स्टिल आई एम पेइंग टैक्स ऑन लार्जर अमाउंट। तो इधर में भी नोशनल इनकम इज चार्ज टू टैक्स। राइट, और भी है, ये देखिए पहले से कम है, वैकेंसी के कारण और कम हो जा रहा है तो एक्सेप्शन नहीं लगेगा। तो मेरे को हाथ में कितना है, 99 बट आई एम पेइंग टैक्स ऑन 120, अगेन नोशनल इनकम। इधर में भी नोशनल इनकम इज गेटिंग चार्ज टू टैक्स। So there are different situations where higher is expected. जब higher expected होता है ना, इसका मतलब ही आप notional income पे tax दे रहे हैं। Got my point? चलो एक और है नोशनल इनकम, यहां पर भी नोशनल इनकम वाला केस ही है, ये भी देखिए इधर में, ये रहा मैं बताता हूं बेटा, खाली पास होने के लिए नहीं पढ़ना है हम लोगों को, यहां पर भी अप टू टू ईयर कोई टैक्स नहीं है, व्हाट अबाउट बियॉन्ड टू ईयर, बियॉन्ड टू ईयर आल्सो आई एम होल्डिंग इट एज स्टॉक इन ट्रेड, दो साल के बाद भी मेरा बिका नहीं है, मेरा बिल्डर का यह स्टॉक इन ट्रेड है तो डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी ले लेंगे। तो अगेन यहां पे नोशनल इनकम इज गेटिंग टैक्स्ड। एग्जाम में घुमा के दे देगा क्वेश्चन,
Explain cases where notional income is getting charged to tax. राइट चलिए सो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट पूरा जीएवी का कैलकुलेशन कवर अप कर लिया था. पांच केसेस थे, उन पांचों केसेस का हमने जीएवी का कैलकुलेशन कवर कर लिया था. राइट सो दैट वी हैव कवर्ड. सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस का. कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, बट आप लोग लिख लीजिए क्योंकि सिंस वी आर डूइंग इन एन ऑर्डर. राइट, हालांकि मैंने आपको एक छोटा सा कंप्यूटेशन करके भी दिखाया था. एनीवे, इसके कंडीशंस हैं. कंडीशंस फॉर क्लेमिंग Municipal tax as deduction. Conditions for claiming municipal tax as deduction. Number pehla, owner has to pay. Means in case of rental landlord. Actually paid during the year. ठीक है. Arrears of municipal tax paid during the previous year is also allowed as deduction. In case of self-occupied, deduction for municipal tax is not allowed. So there are certain things which you should remember. राइट कि क्या क्या केस में डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्स का लागू होगा, क्या क्या केस में नहीं आएगा. ठीक है, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है. चलिए डन. स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में समझाने का कोई दरकार नहीं है. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी. मैंने आपको पहले ही बताया था. सबसे पहला बात, अक्रूअल बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड. Interest on loan is allowed for purchase, construction,
repairs and renewals. In case of let out properties, no maximum limit for interest on loan deduction. इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है? इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज देयर इज मैक्सिमम लिमिट फॉर interest on loan. This is what we have to learn. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम अमाउंट का बात करेंगे. नाउ आप लोगों को मालूम है नया टैक्स रिजाइम आया है, तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. न्यू टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम. नाउ न्यू टैक्स रिजाइम में क्या है कि आपका रेट ऑफ टैक्स थोड़ा कम है, राइट, एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजाइम. बट न्यू टैक्स रिजाइम में आपको काफी सारा इनकम टैक्स का जो बेनिफिट जो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलता था वो नहीं दिया जाएगा. जैसे डिडक्शन जो चैप्टर 6A के थे, वो डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेंगे. अभी अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर सकते हैं, तो एज अ रिजल्ट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आएगा. दैट नेगेटिव इनकम यू कैन सेट ऑफ विथ एनी पॉजिटिव इनकम अंडर एनी एक्ट. लाइक लास्ट क्लास आई शोड यू, एक घर में हमारा नुकसान है, दूसरे घर से हम कमा रहे हैं. एक ही घर के दो हिस्से थे, फर्स्ट फ्लोर में कमाई है, ग्राउंड फ्लोर में इनकम नेगेटिव में आया, तो मैंने नेट करके मेरा टोटल इनकम रिपोर्ट किया. सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि मैं जिस घर पे रह रहा हूं उस पे मैं लोन लेके खरीदा था, तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नेगेटिव आएगा. उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नेगेटिव आएगा मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन के कारण. और मैं कहीं पर नौकरी करता हूं या मेरा धंधा है वहां से बिजनेस इनकम कमा रहा हूं, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन नेगेटिव आ रहा है, इट इज शोइंग अ लॉस. आई कैन सेट ऑफ दिस लॉस विथ एनी अदर इनकम. मैं इस लॉस को किसी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं. राइट तो इस लॉस को जब मैं इनकम के साथ सेट ऑफ करूंगा तो मेरा नेट इनकम आएगा. सो न्यू टैक्स रिजाइम बोलता है काफी सारा बेनिफिट्स हम आपको नहीं देंगे. वी ओंट गिव यू सम बेनिफिट्स, राइट. तो आइए हम लोग बात करते हैं इस चीज का. वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल, नो वरी. ठीक है,
आइए अगर लेट आउट है और डीएलओ है कुछ भी हो राइट या सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा क्लियर। न्यू टैक्स रिजाइम में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज नॉट अलाउड, मतलब अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केसेस में। हाउएवर नॉर्मल केसेस में, मैंने क्या बोला था ध्यान से देखो, यहां पे लेट आउट प्रॉपर्टीज के केसेस में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप इंटरेस्ट ऑन लोन क्लेम कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम लिमिट है, तो वही मैं आपको यहां दिखाऊंगा। राइट फुल्ली अलाउड डिडक्शन आपको मिलेगा। अब ओल्ड टैक्स रिजाइम का बात करते हैं, लेट आउट और डीएलओ राइट फुल्ली अलाउड, मतलब अगर कमाई है तो उसकी कंप्यूटेशन आप नया टैक्स रिजाइम में जाइए चाहे पुराना टैक्स रिजाइम में जाइए, किसी भी टैक्स रिजाइम में जाइए, इस उसमें कंप्यूटेशन सेम है राइट, इट इज सेम। लेकिन जहां पे डिडक्शंस की बातें आएंगी, जहां पे लॉसेस आएंगे, वहां पे दोनों में कहीं ना कहीं फर्क है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के कारण अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रिएट्स लॉस फ्रॉम एचपी। देखो मैंने आपको बताया है इंटरेस्ट ऑन लोन क्रिएट्स लॉस, ये देखिए ये लॉस क्रिएट हो रहा है हमारे बुक्स में और ये इनकम है, इधर नीचे आ गया हमारा नेट इनकम। तो बेसिकली ये लोग ओल्ड टैक्स रिजाइम में हैं, इसलिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टिबल हो रहा है। ये अगर न्यू टैक्स रिजाइम होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टिबल ही नहीं होता, अल्टीमेटली आपका नेट इनकम 149 ही माना जाता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिडक्टिबल ही नहीं है नया टैक्स रिजाइम में। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का।
ठीक है, आइए। लोन दो रीजन से लिया जाता है, या तो आपने रिपेयर रेन्यूअल्स के लिए लोन लिया है, या आपने परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। ठीक है, तो लेट आउट के केस में इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए बस, राइट। आप लोन लेके खरीदे हो या लोन लेके बनाए हो, राइट, फुल्ली अलाउड है। न्यू टैक्स रिजाइम में सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट आप अलाउड नहीं है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट अलाउड है, उसी का हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं। रिपेयर रेन्यूअल्स अगर होगा, रिपेयर रेन्यूअल्स का केस है, सो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड इज 30,000 इन एग्रीगेट फॉर वन और टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, याद रखिएगा, राइट, फॉर वन और टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्लियर, यहां पे टू कंडीशंस भी हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज बोरोड। नंबर टू, राइट, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल। इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट देता है वो लोग, जब आप लोन लेने जाएंगे ना, साल जब खत्म हो जाता है तो पूरा साल में आपने कितना इंटरेस्ट दिया, वो लोग आईटी सर्टिफिकेट देता है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, मैक्सिमम 2 लाख, नहीं सेटिस्फाइड है, मैक्सिमम 30,000, गेम खत्म।
राइट एग्रीगेट बोला है दोनों घर, अगर जो दो दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हैं ना, एग्रीगेट है यहां पर भी वही है सेम। आइए एक तो हम लोग आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं, उससे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन का ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगा, एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट नीड्स टू बी डिस्कस नेक्स्ट। राइट आइए अभी हम लोग फोकस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन। सपोज करिए 1 जुलाई 2020 को मैंने लोन टेकन, राइट एक अक्टूबर 2020 को हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मतलब 3 महीना डिले हो गया, राइट अच्छा 10% लोन लिया हमने 10 लाख रुपए का, और इधर में कहीं पे हमारा 1 जुलाई 2023 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, ठीक है, और मान लो March 31 अभी तक अभी भी लोन इज पेंडिंग, ठीक है बेटा, मुद्दा वो नहीं है, पहले आप मेरे को बताइए इसमें फाइनेंशियल ईयर क्या क्या हुआ, पहला फाइनेंशियल ईयर हमारा March 31 को आवेगा, दूसरा हमारा 31 मार्च 2022 को आवेगा, तीसरा हमारा 31 मार्च 2023 को आवेगा, और एक हमारा 31 मार्च 2024 को आएगा। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, नो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, एकदम याद रखना ये बात, क्योंकि अभी तक हमारा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारा प्रॉपर्टी आज के दिन में एग्जिस्ट ही नहीं करता सर, अभी तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहां पे WIP, इधर वो बिल्डिंग बना है, यहां पर वो बिल्डिंग बना है सर, सो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑल्सो सेम आंसर, नो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऑल्सो
no deduction for interest on loan. अच्छा, हालांकि आपने इंटरेस्ट लोन दिया कितना सर? यहां पे हमने 9 महीने का दिया है, 2021 में जुलाई में लिया था, मार्च तक 9 महीना होता है, तो ये हमारा 75,000 होगा। इस साल हमने पूरा 1,00,000 दिया है, 10%, इधर 9 महीने का ब्याज दिया ना भैया, इधर 12 महीने का दिया, इधर 12 महीने का दिया, तो टेक्निकली स्पीकिंग 2,75,000 का हमने इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा, अब बात मैं करूंगा फाइनेंशियल ईयर 23-24। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, क्योंकि इस साल हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इस साल ये जो हमारा टाइम पीरियड है, दिस इज अलाउड। तो 23-24 में जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, दैट इज अलाउड। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। क्योंकि इस साल कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन, इस साल या तो वो लेट आउट होगा, हालांकि वो लेट आउट 9 महीना ही होना है, सेल्फ ऑक्युपाइड भी होगा तो कितने दिन के लिए होगा? 9 महीने के लिए होगा। प्रॉपर्टी लाइफ 9 महीना ही है, वो अलग चीज हो गया। जीएवी, जीएवी कैलकुलेशन में फर्क आएगा, यहां पे तो एनएवी नील होता है, राइट, वो अलग बात है, बट इस साल का इंटरेस्ट अलाउड होगा, हम लोग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्डिंग की लाइफ 9 महीने है, बट इंटरेस्ट आपको पूरे 12 महीने का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, उतना हम लोग नेक टू नेक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये पीएल नहीं बना रहे हम, ये इनकम टैक्स का इनकम कैलकुलेशन हो रहा है, इनकम टैक्स सिंप्लीफाइड वे में टैक्स कैलकुलेट होता है। पीएल बना रहे होते तो हम बात कर रहे होते भैया हमारा रेवेन्यू 9 महीने का है तो खर्चा भी 9 महीने का लेंगे, बट यहाँ पे वैसे नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है म्युनिसिपल टैक्स तो पेमेंट बेसिस पे होता है, अरियर वाला भी आप इस साल माइनस कर सकते हैं, तो यहां पे कहां मैचिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। इनकम टैक्स में वो लोग अपना रूल बनाया है, उन्होंने सिंप्लीफाइड वे में रूल बनाया है, कहीं कहीं आप देखेंगे कि मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रही है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये जाहिर सी बात है, हमारा प्रॉपर्टी का जिंदगी इस साल खाली 9 महीने का है, राइट, प्रॉपर्टी लाइफ इज 9 मंथ्स, हमारा फाइनेंशियल इज 12 मंथ्स, बट प्रॉपर्टी लाइफ इज 9 मंथ्स, तो जीएवी हम 9 महीने का लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट हम 9 महीने का लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट लोन पूरे साल का लेंगे। तो मैं जस्ट खाली आपको ये बात अभी जो बता रही हूं मैं, जो बात मैंने आपको बता दी है, ये मैं फटाफट आप लिख लीजिए, इंटरेस्ट लोन तो बताऊंगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड। एक्सपेक्टेड रेंट हम 9 महीने का लेंगे,
जो हमारा एक्चुअल रेंट है वो तो 9 महीने का ही होगा, तो हमारा जीएवी आ गया। लेस म्युनिसिपल टैक्स जितना हम पे करेंगे, जाहिर सी बात है जब तक बिल्डिंग का म्यूटेशन नहीं हो जाता तब तक आपका म्युनिसिपल टैक्स भी नहीं लगता है, तो जितना पेमेंट होगा उतना लेंगे। एनएवी आ गया राइट, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ये तो कोई चिंता वाली बात नहीं, जितना ये होगा उतना ही होना है। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे बेटा, ये 12 महीने का ले लेना, वो हिसाब हम नहीं कर सकते। सॉरी, यही आपको बतानी थी मुझे, आप इसको चुपचाप 12 महीने का ले लो। इनकम आपने लेनी कितने महीने की है? 9 महीने की। ये 12 महीने का ले रहे हैं, कोई मैचिंग नहीं है साहब, सब मैचिंग प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ गई हैं। सर हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप इस टाइप का नॉलेज देने वाले हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीशन, अगले साल से तो ये भी 12 महीना, ये भी 12 महीना, झमेला इच नहीं है। सर ये तो बात हमको आपकी समझ में आ गई, इसका मतलब 23-24 का जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो भी 23-24 का हमारा जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, हालांकि 1 लाख 10 लाख की लोन है, 10% करेंगे तो 1 लाख ही आएगा, 10 लाख का 10%, 1 लाख इंटरेस्ट। सर मुद्दा उसका नहीं है, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑफ अर्लियर इयर्स विच आई हैव पेड बट आई हैवंट गॉट एनी बेनिफिट, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो कंस्ट्रक्शन ईयर के पहले का जो ब्याज है, जो पास्ट ईयर में हमको अलाउ नहीं हुआ, आप देखिए ये सारा इंटरेस्ट अलाउड नहीं हुआ, इसका भी बेनिफिट आपको फ्यूचर ईयर में मिलेगा वंस यू स्टार्ट गेटिंग डिडक्शन राइट। सो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोली, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको कब से मिलेगा, जिस दिन से आपका प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी राइट। सो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड from the year of completion, ठीक है, deduction for pre-construction period interest is also allowed from the year of completion as 1/5 over 5 successive years. Therefore, total interest for the year 23-24 कितना आएगा भैया बताना थोड़ा, वन फिफ्थ ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस करेंट ईयर इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स,
करेंट ईयर इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स. इसका मतलब ये जो है इधर में 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन आएगा और ये खाली इसी साल नहीं आएगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 1/5 ऑफ प्री, फाइनेंशियल ईयर 24-25 25-26 26-27 Is it fine? ये पुराने साल का इंटरेस्ट है, ये भैया 5 साल तक मिलेगा आपको. प्लस करेंट ईयर इंटरेस्ट इफ लोन इज पेंडिंग. तो 23-24 में तो पूरा पेंडिंग था लोन, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, जिंदगी भर आते जाएगा जब तक लोन पेंडिंग है. मतलब अगर अगले साल अगर मैंने अगले साल लोन चुका दिया इफ पेड अगले साल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. इस साल तो बोल ही दिया लोन पेंडिंग है, ठीक है? तो जितना इंटरेस्ट आप करंट ईयर में दे रहे वो प्लस पुराना का टोटल का 1/5 आने वाला 5 साल. ये तो बेटा हर साल आएगा ही आएगा, भले ही लोन आउटस्टैंडिंग हो नहीं हो. अब ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है इसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूं. देख के तो साफ समझ में आ रहा है ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन है. ये राइट बट थोड़ा सा चेंज है. चेंज क्या है मैं आपको बताता हूं.
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है ना, डेट ऑफ लोन और कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर, इसका मतलब अक्टूबर से शुरू होगा, क्योंकि आपने लोन ले लिया बट आपने कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं 3 महीना, तो 3 महीने का ब्याज जो है वो आपका नॉर्मल बिना डिडक्शन के जाएगा, देना पड़ेगा बट इनकम टैक्स उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। कब तक? 31 मार्च, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन, मतलब 31 मार्च 2023, ईयर ऑफ कंप्लीशन था 23-24, उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च, तो हिसाब से आता है ये 2.5 ईयर्स। देयरफॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10 लाख इज द लोन अमाउंट इंटू 10% इंटू 2.5, पास्ट ईयर का 2,75,000 है बट अपने को 2,50,000 इज एडमिसिबल, तो हिसाब से क्या होगा हमारा? इधर में कितना आएगा? 1/5 ऑफ 2.5 लाख प्लस 1 लाख करंट वाला, तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन एडमिसिबल होगा। डेढ़ लाख का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एडमिसिबल होगा। सो अपन को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना है। ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन है, और इधर का जो कंप्लीशन ईयर का जो 3 वो करंट में इंक्लूड हो गया, ये वाला इधर इंक्लूड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका नहीं मिलेगा आपको। कंस्ट्रक्शन अगर पहले से शुरू हो जाता तो डेट ऑफ लोन से ही आपको इंटरेस्ट का एडमिसिबल हो जाता। आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन विद ऑल ऑफ यू, एंड इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे, राइट? ऐसा कुछ मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें कोई नहीं समझने वाला कोई बात है, राइट? व्हेन यू प्रैक्टिस फ्यू मोर प्रॉब्लम्स यू विल अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ प्री कंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड। किसी का कोई डाउट है, वी विल वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स एंड देन
ठीक है। सो मेरे को जितना भी पढ़ाना का जो पॉइंट था ना वो मैंने पढ़ा दिया है। अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक दो मैं आपको आज करा देता हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशंस में शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। राइट, आइए छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको कराना चाहता हूँ। आपको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे देगा, फेयर रेंट दे देगा, स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट दे देगा। सपोज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे गिव यू 1,30,000, ऑलवेज दे विल कोट यू पर एनम। राइट, दिस इज 1,10,000 पर एनम एंड दिस इज 1,20,000 पर एनम। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ। सो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, उसके बाद अनरियलाइज रेंट 11,000, रूल 4 सैटिस्फाइड, म्यूनिसिपल टैक्स। टेन%, ऑब्वियसली म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 40,000। सो दे हैव आस्क्ड यू टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है इसमें। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। आप लिख सकते हैं सब। सबसे पहला है, पहले पूरा फॉर्मेट बना लीजिए। नोट 1, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मतलब पेड ही है इस साल का। राइट, सो इट इज ऑलवेज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का 10%। यहां जो फिगर आएगा उसका नहीं, हमेशा याद रखिएगा।
ये जो रेट दिया है ये ऑलवेज ऑन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन होने वाला है। हमेशा सो 13,000 जो भी आएगा दैट इज 13,000 नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू जो भी आएगा उसका 30% कर देंगे इधर में इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 जो भी दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे सो 40,000 राइट सो एनीथिंग वी नीड जीएवी नाउ सारा खेला जीएवी का ही है सो यहां पे अपन नोट वन बनाएंगे जीएवी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा 130 120 का हायर 130 120 का लोअर So that comes to 120. पहले higher और फिर lower. Annual rent 132. यहाँ पे वैकेंसी का कोई चक्करबाजी ही नहीं है और वैसे भी एक्चुअल रेंट ज्यादा है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सिंपल कैलकुलेशन है रूल 4 सेटिस्फाइड है तो डिडक्शन मिलेगा अनरियलाइज रेंट का तो ये हमारा 121 आ गया ये हमारा 1,08,000 आ गया इसका 30% करेंगे 32,400 आ गया ये हमारा 72,400 आ गया देखो फटाफट सारा कैलकुलेशन हो जा रहा है सो कितना आ रहा है नेट इनकम बताइए कितना 35,600
सो अगले क्वेश्चन अगले दिन हम लोग ऑफकोर बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने जो भी दो दिन में वॉट एवर कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड वो हम लोग को अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो आप लोग सारा प्रोविजंस को अच्छे से पढ़िए, राइट, एंड प्लीज 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 मेक अ शॉर्ट नोट्स फॉर द प्रोविजंस एंड जस्ट पेस्ट इट ऑन द वॉल, राइट। आप अगर जितना चीज दीवार में पेस्ट करके रखेंगे आपको उतना ईजी होगा, राइट। थैंक यू सो मच।